तक गई मैं गाइस, इट्स नॉट दैट इजी। दिस इज तमन्ना अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था कि मैंने चंडीगढ़ में घर खरीदा है, तो आज हम मेकओवर करने वाले हैं अपनी वॉल का। पूरी वाइट कलर की वॉल है, बट मेरा मन है इसको कुछ ग्रे कलर में कन्वर्ट करके एंड वॉल ऑफ मेमोरीज बनाने का, कि हम इस पर बहुत सारे फ्रेम्स लगाएं। सो अभी हम इसको मेकओवर करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। करने के लिए सामान लेके आई हूँ। ये है 1 लीटर का ग्रे कलर। मुझे था कि कम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा हो जाए, तो 1 लीटर का मैंने ले लिया। एंड देन ये है रोलर ट्रे सेट। ट्रे सेट काफ़ी यूजफुल होती है। नेक्स्ट जो है ये है रोलर। इससे पेंट होता है, मतलब इसकी डंडी इतनी है, बट अभी इसको हम जो वाइपर होता है, वाइपर की वेस्ट डंडी इसके अंदर फंसाएंगे और देखते हैं कि कैसे होता है। मैंने ये हैक यूट्यूब पे देखा था कहीं। देन जो ये वाला रोलर है, ये रोलर है हमारा शाइनिंग देने के लिए। ये रोलर होता है जो प्रॉपर कोटिंग करते हैं उसके लिए, कि लास्ट में सरफेस पे जैसे हम 1-2 कोटिंग करेंगे इस वाले से, उसके बाद जो फाइनल टच देंगे फिनिशिंग के लिए, उसके लिए ये वाला रोलर होता है। देन जो एजेस हैं उनके लिए हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने मास्किंग टेप लगा दी है, ताकि अगर मैं इस वॉल पे, जैसे मुझे इस वॉल पे पेंट करना है, तो कॉर्नर्स पे जैसे मैं ब्रश से फिनिशिंग दूंगी तो वो इधर वाली वॉल पे ना लग जाए, तो ये मास्किंग टेप मैंने लगाई है। वैसे चौड़े वाली अगर मिलती ज़्यादा बढ़िया होता, बट मेरे घर पे यही वाली अवेलेबल थी, तो मैंने ये लगा रही हूँ। अभी हमने ऊपर तक लगानी है इसको, सो लगाते हैं। ये है पौड़ी जिसके ऊपर मैं अभी चढ़ूँगी। ये देखो गाइस, सारी मास्किंग टेप मैंने लगा दी। सो गाइस, मैंने अपने बाल बांध लिए हैं। अब हम पहन लेते हैं ग्लव्स। गाइस ग्लव्स मस्ट हैं, नहीं तो मेरे सारे हाथ खराब हो जाएंगे, जो मेरी आदत है बचपन से। वैसे मतलब मैं रेजिन आर्ट पे करती हूँ तो मैं उस पर सारे अपने हाथ खराब कर लेती हूँ, बट हम ग्लव्स पहनेंगे, हाथ से पहनेंगे, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े इसको उतारने में। Done. You are ready for the operation. I don't have any idea कि इसमें पेंट में कितना पानी मिक्स करना है, बट पानी मिक्स होता है, सो आईडी से मिक्स कर देते हैं। यहाँ हमारा वाइपर, इसको आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ये जो नीचे होल है, मतलब आप इसको फिक्स भी कर सकते हो, बट मैं एज इट इज़ फंसाऊंगी इसको। अरे टिक जा भाई, बस इसको ऐसे फंसा देना है इसके अंदर, ताकि ये आपकी डंडी लंबी हो जाए, लाइक दिस, एंड यू आर गुड टू गो। अब बस इसको हम ऐसे दीवार पे स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा ये। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे। इसको ट्रे में रोल करो और जो नीचे इस पे ट्रे में ही आगे का पार्ट होता है उस पर वो वाइप ऑफ कर दो सारा, ताकि छिटते ना आए। नो व्हाट आई मीन, इसको बस थक गई मैं गाइस, इट्स नॉट दैट इजी। सो गाइज वॉल पूरे पेंट हो चुके हैं। अब हम इसको देने वाले हैं फाइनल टच। मैं वेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका सिंगल कोट ही करना है, तो डबल कोट की जरूरत नहीं है। सो या लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गई हूँ, काफ़ी लेट हो गई थी रात को। देखते हैं बाहर पेंट सूखा है नहीं सूखा। पेंट तो सूख चुका है गाइस। मैंने ये जो हमने टेप लगाई थी उतार दी। इस पे मेरा बहुत सारा पेंट लगा था, तो थैंकफुली मैंने ये लगा दी थी। बट मेरे पास पतले वाली थी, बिल्कुल इतनी वाली, बट चौड़े वाली आती है। आप चौड़े वाली यूज़ करना क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ मार्क्स रह गए हैं। यहाँ पे मैंने टेप तो उतार दी यहाँ से, बट ये थोड़ा मेरे से एक्स्ट्रा आ गया था। एनीवेज मेरे पास इस कलर का सेम पेंट पड़ा है, तो उससे मैं कवर कर दूँगी, वो कोई इशू नहीं है। बट आप बड़े वाली ही मास्किंग टेप यूज़ करना। ये अभी यहाँ से उतारनी है ऊपर की टेप, बाकी मैंने सब उतार दी। और कलर बहुत ही प्रिटी लग रहा है, थोड़ा डार्क है जैसा मैंने सोचा था उससे, बट ठीक है चौके। ये नीचे से भी क्लीन करना है सारा। बाकी फ़र्श क्लीन हो चुका है, मम्मी ने क्लीन कर दिया है, बट इतना पेंडिंग है अभी। यहाँ पे अभी ये हो जाएगा क्लीन। यहाँ पेंट लगा है, इसको क्लीन कर लेते हैं। आप चाहो तो इसको भी मास्किंग टेप से कवर कर सकते हो, बट मैंने मास्किंग टेप से कवर नहीं किया था, तो ये मेरा ज़्यादा गंदा हो गया। दैट्स माई बैड। बट इसमें मैंने क्लीनिंग वाला एक डिटर्जेंट लगाया है जिससे ये क्लीन हो रहा है। वैसे आई थिंक ये नॉर्मल डिश वॉश से भी क्लीन हो जाएगा इजली, तो मैं इसको क्लीन करती हूँ। सो गाइज़ अब टाइम है फ़ोटोज़ डिसाइड करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वॉल को कन्वर्ट करूँगी वॉल ऑफ मेमोरीज़ में, तो मैंने अमेज़ोन से 16 फ्रेम्स मंगाए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और अभी पहले हम डिसाइड करते हैं कि उस पर हम कौन कौन से फ़ोटोज़ लगाएंगे। सो लेट्स डिसाइड नाउ। सो गाइज़ ये हैं फ्रेम्स, ये मैंने खोला है अभी। इस तरह के बॉक्स में आता है, कैसे लगेंगे मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ये वाली किट आती है एक, इसको हैंग करने के लिए। और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये लेवलर है। लाइक आप इसको, अगर आप फ्रेम को आप वॉल पे लगा रहे हो तो आप उसके ऊपर इसको प्लेस कर दो। इसमें जो ये देखो अगर सीधा होगा, ये ड्रॉप सी आपको दिख रही है ना, ये लेस सेंटर में आ जाएगी। जैसे मैं इसको वॉल यहाँ रख के दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये अब सेंटर में है। एक प्लेन सरफेस है तो वो सेंटर में है। जैसे ही अगर आप इसको फ्रेम को टेढ़ा लगाओगे तो यहाँ से वो बचल जाता है कि आपका फ्रेम सीधा है या नहीं है। मेरे पास बड़ा टूल भी है, ये तो छोटा सा किट के अंदर आया है, बट लेवलर मेरे पास और भी है। और ये वाली पिन्स हैं जिससे ये हैंग होगा। इट्स लाइक कि जैसे ये वाला फ्रेम दिया हुआ है, इसमें आप अपनी फ़ोटोज़ चेंज कर सकते हो इनको खोल के। ये मैं आपको दिखाऊंगी बाद में जब मैं इसमें फ़ोटोज़ डालूंगी। और जो ये है इसके ऊपर ये हैंग होगा, इसको इस तरह से कुछ होगा। आई थिंक आई हैव टू फिगर इट आउट, बट है कुछ ये ऐसा ही। सो गाइज़ आज है दूसरा दिन और मैंने सारी फ़ोटो सेलेक्ट कर ली हैं। कल मैं बहुत ही टायर्ड थी XYZ रीजन्स की वजह से, तो मैंने फ़ोटोज़ अब डिसाइड कर ली हैं और अब बारी है इसको प्रिंट आउट लेने की। सो चलो प्रिंट लेते हैं। प्रिंटर मेरे घर लिया है रेडी, ये रहा प्रिंटर, ये रहा लैपटॉप। अब इसको प्रिंट निकालते हैं और देखते हैं कैसा आता है। ये मेरे पास पेपर है जिस पे हम प्रिंट निकालेंगे। ये मैं रेजिन के लिए यूज़ करती हूँ। जिनको नहीं पता मेरा रेजिन का बिज़नेस है, तो उसके बारे में एक मैं अपनी डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ अबाउट माई बिज़नेस जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अभी हम चलो प्रिंट निकालते हैं, लेट्स गो। ये है फ़ोटो और ये प्रिंट आते हुए जैसे कि निकल जाता है। मैं आपको सारे प्रिंट आउट्स दिखाती हूँ। ओके सो गाइज़ मैंने यहाँ प्रिंट आउट ले लिया और मैंने कुछ की कटिंग भी कर ली है, कुछ मैंने लगा भी दिए हैं। बट मैं आपको अब दिखाती हूँ कि ये फ्रेम एक्चुअल में है कैसे। सो ये आप देखोगे इसके ऊपर पैकिंग है, इसको पहले हम खोलेंगे। पैकिंग को ओपन कर लेना है और इसमें आपको दिखेगा ये हुक्स, इन हुक्स को खोल लो कि जब तो फ़ोटो जो भी होगी उसको निकाल लो। अब जो यहाँ पे ये है शीट, ये प्लास्टिक जैसी है, मतलब लैमिनेटेड है, तो इसके ऊपर दोनों साइड पेपर है, उसको उतारना है हमें। ये इसलिए आता है ताकि स्क्रैच ना पड़े इन ट्रांसेंट या जो भी है। और फिर उसके बाद जो ये साइड में फ्रेम्स हैं, यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट पेपर है हर उस पर, तो वो भी आपको उतार लेना है याद से, उससे फिनिशिंग आ जाएगी प्रॉपर और एक अच्छी लुक आएगी। अब यहाँ पे वापस से आप उसको रख दोगे जो आपका पेपर आया था हुक्स के अंदर लगा के, और इसमें आप फ़ोटो लगा दोगे अपनी। आप चाहो तो इसको पेस्ट कर सकते हो, बट मैंने पेस्ट नहीं करी क्योंकि अगर इन केस फ्यूचर में मुझे रिप्लेस करनी हो तो मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इसको, इसलिए मैंने इसको चिपकाया नहीं किसी चीज़ से। और ये जो फ्रेम है, ये जो हुक है, ये एडजस्टेबल हुक है कि आपको जहाँ पे भी मूव करना है वैसे आप उसको मूव कर सकते हो। मैंने इसको अभी सेंटर में रखा है अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ बैठ के मैं अपनी सारी फ़ोटोज़ की कटिंग कर रही हूँ और लगा रही हूँ, इनको लगा लेते हैं। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपके पास कोई फैमिली मेम्बर हो तो उसकी हेल्प ज़रूर ले लेना। सो या सो गाइस, रात के बज चुके हैं 2। सारा मैंने फ्रेम्स में फ़ोटो सेट कर ली हैं, इसको हम हैंग करेंगे सुबह। अभी सो जाते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी और अभी भी मैं थोड़ी शान सी लग रही हूँ, बिखरी हुई, बट ठीक है। ये रही हमारी बॉल और मैंने यहाँ पे अरेंज कि मुझे किस पोजीशन में इनको लगाना है। अब हम इनको लगाना शुरू करते हैं, मतलब ये मैंने फ़ाइनल किया है, मैंने नीचे फ़ाइनल कर लिया एक बार कि मुझे वॉल पे कैसा चाहिए। इस साइड मुझे गिटार चाहिए, इस साइड मुझे फ्रेम्स चाहिए। सो इनको लगाते हैं। ये रही इसके पिन्स, पिन्स को बस लगाना है और इसको हुक कर देना है। सो लेट्स बिगिन। इसको लगाना बहुत ईजी है गाइस, देखो इस तरह से पिन है, इसको बस ठोक देना। ये चीज़ आपके ऊपर आनी चाहिए। मेरे पास हथौड़ी नहीं है तो मैं प्लास से काम चला रही हूँ, मतलब मैं तो थोड़ी अलग लेवल की बंदी हूँ, मतलब मेरे को मार्केट नहीं जाना होता, मुझे हर चीज़ ऑनलाइन चाहिए। और आप लोग हथौड़ी अगर आपके घर नहीं है तो ले आना और हथौड़ी से करना। मैं ऐसे से काम चलाऊँगी अभी, जुगाड़। अब कुछ नहीं करना, जो एडजस्टेबल हुक है उसको इसमें डालना है। देखो बताती हूँ कैसे। ये जो आपको हुक दिख रहा है, इसको बस इसके अंदर टाई कर देना है। ला 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 लेट मी शो यू। टंग गया, आई थिंक टंग गया। यस, टंग तो गया, बट ये टेढ़ा क्यों जा रहा है? मैं इसको फिगर आउट करती हूँ और फिर बताती हूँ। गाइस, हो गया ये सीधा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई इसमें लर्निंग वाली बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, तो उसके पीछे हुक दिया हुआ है, वो एडजस्टेबल है, मतलब उसको आप स्लाइड कर सकते हो। आपका ये टेढ़ा जाएगा तो आप उसको स्लाइड करके सेंटर में ले आओ ताकि ये आपका सही रहे। अब इसके लिए आपको लेवलर भी दिया जाता है। वैसे ये मुझे देखने में ठीक ही लग रही है, सीधी लग रही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उतना तो चलेगा। ये जो मैंने आपको दिखाया था लेवलर, इससे हमें पता चल जाएगा कि मेरा फ्रेम सीधा है या नहीं। इसको हम यहाँ पे सेंटर में रख देते हैं और ये देखो, ये जो हमारा बबल है वो सेंटर में है, मतलब ये ओके है। अगर ये सेंटर में नहीं है तो हल्का सा आप इसको ऐसे ही एडजस्ट करके सेंटर में लेके आ सकते हो, एंड इट शोज़ कि तुम्हारा ये सही लगा है, मतलब। सो मैं यहाँ पे सारे फ्रेम्स लगा लेती हूँ ये वाले, एंड मिलती हूँ आपसे ये लगाने के बाद। बाय टिल देन, सी यू सून। यहाँ जो गिटार लगाना है उसके लिए इन भैया को बुलाया और वो वहाँ पे होल कर रहे हैं। गिटार टंगने के लिए मैंने अमेजोन से मंगाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये इस तरह का आता है, इसमें 3 होल्स होंगे, पूरी किट आती है, लगा देनी आपको। सो गाइस, ये है फाइनल लुक। कैसी लग रही है? बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, मुझे तो बहुत सुंदर लगी है, मतलब चार चांद लग गए मेरे बॉल पे। ओके बाय।